महाशिवरात्रि छ भाग में किसी कारण से हम पूरा वीडियो नहीं बना सके, आपको इस चैनल में भी आपका स्वागत है सुंदरा मिक्स। भगवान शिव नर्तक के अवतार लेकर जब माँ पार्वती को मांगने लगी तो लोगों ने द्वेष किया, आचार्य जी ने उसे घर से बाहर निकाला लेकिन वह नहीं निकल पाए। भगवान शिव नर्तक रूप में थे, फिर बाद में गए तो उन लोगों को पश्चाताप हुआ, ज्ञान हुआ। उसके बाद में फिर तप में विघ्न डालने भगवान शिव साधु के अवतार लेते हैं। एक बार की बात है कि सभी देवी देवताओं ने में यह भावना जागृत हो गया कि अगर भगवान शिव की शादी हिमाचल राजा के पुत्री से हो जाता तो हिमाचल राजा बहुत बड़ा संपत्तिवान हर तरह से परिपूर्ण हो जाएगा, वह केवल यानी मुक्ति के भी अधिकारी बन जाएगा सहज रूप में। अतः ऐसा नहीं होने देंगे, इस सारिया होने लगा वैसा होने लगा। तो सभी देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के पास यह सलाह रखा गया। बृहस्पति जी ने जाकर ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास यह कहने लगा लोग ने, देवताओं लोग ने। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव नंदा बहुत पाप है, वह सुनने वाला कहने वाला और जो तीन निंदक हो जाते हैं, जो सुनता है जो सुनाता है जो कहता है पाप के भागदारी होता है, वह प्राण त्यागने लायक हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। उन्होंने कहा कि मैंने नहीं करूंगा, न विष्णु जी भी कहेंगे, हम ब्रह्मा और विष्णु से कोई भी शिकायत नहीं कर पाएंगे। तुम जाओ स्वयं शिव के पास और शिव से है अपने अनुरोध से, याचना से, प्रार्थना से, स्तुति से, जैसे पाप कहकर निंदा करने के लिए कहो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। भगवान शिव के पास देवी देवताओं लोग जाते हैं और ऐसे ऐसे बातें कहते हैं, भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं। तो पहले सप्त ऋषियों के पास माँ पार्वती के तपस्या में विघ्न डालने जाते हैं, यानी विघ्न का मतलब हुआ कि परीक्षा लेने जाते हैं कि क्या यह तपस्या से निरक्त होती है, अलग हो जाती है क्या, इसलिए वह परीक्षा लेने जाते हैं। सप्त ऋषियों ने बहुत प्रकार के भगवान शिव के निंदा किए, कपाली, मुंड माला धारी, भस्म लगाए हुए शरीर में श्मशान का, भांग धतूर खाकर मस्त रहने वाला यानी जिधर तिधर सोए रहने वाला, जटाधारी, भयंकर वेशभूषाधारी, लेकिन माँ के पार्वती के इन सब कहने का कोई असर नहीं पड़ा। उनके सप्तर्षियों का ही बहुत से बारे भर्तार्चना करने लगा। उन्होंने कहा कि ऐसी बात है तो मैं ही स्थल से चला जाता हूँ, नहीं तो जाओ। दृढ़ प्रतिज्ञा पर अरे माँ पार्वती
जिन्हें उमा भी कहते हैं, अर्पणा भी कहते हैं। तो भगवान शिव के पास सप्तर्षि जाते हैं और अपना सारे बातें कहते हैं। भगवान शिव ने देखा कि ठीक है, अब हम जाकर उसमें परीक्षा लेते हैं, विघ्न होते हैं। तो साधु का रूप धारण कर भगवान शिव जाते हैं और हिमाचल राजा के घर में जाते हैं। हिमाचल राजा ने साधु तेजस्वी जैसे लगा, उसे बहुत आदर सत्कार किए और उसके बाद में वह साधु जो शिव रूपी थे वह अपने को बहुत बड़ा ज्योतिष शास्त्री मान कहने लगा। उन्होंने हाथ देखा माँ पार्वती को, कहा कि इसका तो पति बहुत भयंकर कारी मिलेगा, कुलहीन मिलेगा, इसका कुल नहीं है, इसका जाति नहीं है, इसका नाम नहीं है, श्मशानी होगा, कपालिक होगा, यानी भिन्न भिन्न तरह के अमंगल बातें कहने लगे। लेकिन न हिमाचल राजा वहाँ से टक से मक्ष हुए और न माँ पार्वती। यह दृढ़ प्रज्ञा प्रतिज्ञा देख कर भगवान शिव वहाँ से अंतर्धान होते हैं, साधु चला जाता है। इस तरह माँ पार्वती के शादी में यानी प्राप्त करने के लिए शिव जी के ऐसी ऐसी लीलाएँ रचा गए। इसलिए कि भगवान शिव तप के मूर्ति हैं, वह तपस्वी हैं, तप स्वरूप हैं, तप के द्वारा ही सब कुछ पाया जा सकता है। इसके अलावा तप के मतलब मेहनत, श्रम, परिश्रम के द्वारा ही संसार में कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। अब सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को ऐसे योगी सन्यासी को शादी करने के लिए देवता लोग को प्रेरित करते हैं, इसलिए कि तारकासुर ने बहुत उपद्रव मचा दिया था। वह तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान ही पा लिया था कि मैं अगर इस धरती पर किसी अमर नहीं है तो मेरा मृत्यु भगवान शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र से ही होना चाहिए। यही कारण है कि भगवान शिव को शादी करने के लिए सभी देवी देवताओं के नर आदि जो भी है उन्हें करने के लिए इतना प्रोत्साहित किया गया, इतना प्रयत्न किया गया। लेकिन यह नहीं जानता है, अब तक जितने भी दानव हुआ यह नहीं जानता है कि उसका जो वरदान मांगता है वह वरदान रूपी बीज में ही उसका विनाश निश्चित रहता है। अब तक जितने भी दानव हो एक से एक ऐसे ऐसे लोग वरदान मांगे लेकिन सबका नाश हुआ, क्योंकि बीज में ही उसका नाश है। बीज जब नाश होता है तभी उसमें अंकुर फटता है, वह अनैतिकता की ओर जाते हैं, वह अपने को ही सब कुछ मान लेते हैं। अतः भगवान शिव की शादी धूमधाम से समय के अनुसार हो जाता है, लेकिन उनकी शादी महाशिवरात्रि के दिन हुआ है कि नहीं हुआ है, जिसे त्रियोष्टी या चतुर्दशी कहते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में त्रियोष्टी और चतुर्दशी दोनों कहा जाता है, एक ही बात है। अब तक मैंने जितने शिव पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण, बहुत से पत्रिका में भी विशेषांक निकला था, जैसे नूतन कहानियां में बहुत सा विशेषांक निकला था भगवान शिव पर, उन सबों में अच्छे अच्छे लेखकों में कहीं ऐसा नहीं मिला कि महाशिवरात्रि के दिन यानी त्रियोष्टी के दिन माँ पार्वती यानी शिव को विवाह हुआ है, नहीं मिलता है।
महाशिवरात्रि के कथा इतिहास अलग है, जो साथ में बताऊंगा, भाग साथ में बताऊंगा। लेकिन शादी के संबंध में ऐसी नहीं कि महाशिवरात्रि यानी फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी के दिन भगवान शिव की शादी हुआ था, माता पार्वती को शादी हुआ था, ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ है। सती माता के लिखा हुआ है शिव पुराण में कि चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन हुआ था, लेकिन माता पार्वती की शादी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को हुआ था ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अच्छा, हमारे मित्रगणों, दर्शकगणों, यह बात यह लोग में भले यह शादी का प्रचलन प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन कहीं लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि वेद शास्त्र के अनुसार ही तो सनातन हिंदू धर्म चलता है। किसी में बात लिखा हो तब तो, लेकिन क्या जाने कैसे यह हो गया। त्रयोदशी के दिन हम भगवान शिव की शादी होता है, धूमधाम से होता है। तब तक के लिए इतना ही वीडियो रखा जाए। अगला महाशिवरात्रि के संबंध में हम भाग सात में इसकी उत्पत्ति कैसे हो बताऊंगा। तब तक लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।